इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी की सीट खतरे में है, उन्हीं के गठबंधन से एक पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो उनका आत्मविश्वास वायनाड में टूट गया है, इसलिए वे सेफ सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेठी उनकी विरासत की सीट है। हो सकता है कि आज अमेठी पर फैसला हो जाए कि वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा को 18 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी और इसकी संख्या 35 तक जाएगी। चुनाव में हो रहे अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसका आकलन समाज करता है कि किस व्यक्ति में कैसे संस्कार है और फिर जनता उसके अनुसार मत देती है। अब यदि किसी में संस्कार ही नहीं है, समाज देख रहा है कि कौन किस तरह से शब्दों की दरिद्रता से बात कर रहा है। जो जितनी दरिद्रता से बात करता है, वोट भी उन्हें उतनी ही दरिद्रता से मिलते हैं। एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को धर्म और सनातन से अलग नहीं किया जा सकता। इंडी गठबंधन के एक नेता ने सनातन के बारे में अपशब्द कहे थे, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराया था। सिर्फ इसी एक मुद्दे पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए। विरासत टैक्स के मुद्दे पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतने की बात दोहराई। मध्य प्रदेश में तो हम 29 सीट जीतेंगे। देश के बारे में मैं आकलन आपको करके बाद में बताऊंगा, जब सब दिन मतदान हो जाए उसके बाद बताऊंगा। पर हमारा जो फिगर आएगा, जो मेरा अभी अंदाज है, वो 400 के आसपास ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पहले से ज़्यादा आएगी, पहले 18 सीट थी, अब उससे ज़्यादा आएगी, 35 तक आ सकती। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता है तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए वगैरह वो छोड़ के जाता है, उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे, उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपये मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। अब अमेरिका में जो सामाजिक